प्रदेश वासियों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाने में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने हर आपातकालीन समय में जनता का साथ दिया है। जहां एक तरफ सीएम योगी ने प्रदेश की जनता की आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो प्रयागराज का कुंभ का मेला हो, कोरोना जैसी महामारी हो, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों और भाइयों से मिलने तथा प्रदेशवासियों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यूपी की जनता को लगातार सेवा प्रदान करने के लिए परिवहन निगम में नवीन टाटा और लीलैंड BS6 मॉडल की नई बसें पूरे प्रदेश में लगभग 1350 बसें लाई जाएंगी। BS6 मॉडल बसें पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। एक बस की कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। BS6 मॉडल इलेक्ट्रॉनिक बसों को व्यवस्थित रूप से संचालित करवाने के लिए यूपी परिवहन निगम मुख्यालय के कार्यालय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने 28 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया। आदेश में BS6 मॉडल की बसों को सभी चालकों के प्रशिक्षण के उपरांत ही बसों को मार्ग पर संचालित करवाया जाए। परिवहन निगम में आदेश का सख्ती से पालन हो ये असंभव था। फिर ऐसा ही हुआ कि लखनऊ क्षेत्र की हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो में BS6 मॉडल बसों का बिना प्रशिक्षण के मार्ग पर ड्यूटी लिपिक राकेश सिंह ने मनमाने ढंग से संचालन करवाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हैदरगढ़ डिपो में BS6 मॉडल की करीब 8 से 10 बसें और 8 से 10 चालकों ने ही BS6 मॉडल बसों को चलाने का तकनीकी प्रशिक्षण लिया है। वहीं दूसरी तरफ लिपिक राकेश सिंह का मानना है कि मेरी ड्यूटी के दौरान कार्यशाला में कोई भी वाहन खड़ा ना रहे। प्रतिदिन मार्ग पर संचालित बसों का ब्यौरा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद को सौंपना होता है। जिन चालकों को BS6 मॉडल बस का प्रशिक्षण ही नहीं मिला, इस आधार पर उन चालकों द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरह अपने खास चालकों को BS6 मॉडल बसों पर संचालन क्यों करवाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लिपिक राकेश सिंह और खास चालकों के बीच कोई लालच हो? अप्रशिक्षित चालकों से मार्ग पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार चालक होगा या लिपिक राकेश सिंह? अब देखना होगा कि 28 मार्च 2023 को जारी आदेश पर परिवहन निगम अधिकारी कितना अमल करते हैं।